सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे ऑल थिंग यूट्यूब चैनल वीडियोस एंड फ्रेंड्स में। आपको हर टाइप की वीडियोस बनेंगे, आपके स्टडीज रिलेटेड, किसी भी प्रोडक्ट से अनबॉक्सिंग से रिलेटेड, किसी भी टेक न्यूज से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आज मैं पहली बार फेस कैम वीडियो कर रहा हूँ, पहली बार फेस टू फेस मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड्स अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। फ्रेंड्स जो रेड कलर का बटन है फ्रेंड्स उसे प्रेस कर दीजिए, और फ्रेंड्स उसके बगल में जो ब्लैक कलर का बेल आइकन है फ्रेंड्स उसे प्रेस करके आप निश्चिंत हो जाइए। फ्रेंड्स जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उससे मेरी नोटिफिकेशन झट से मिलेगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक करना ज़रूर फ्रेंड्स, और शेयर कीजिए फ्रेंड्स अगर ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि हमारे डेली लाइफ में फ़ोन कितने इंपॉर्टेंट्स हो गए, एंड्रॉयड फ़ोन्स। तो फ्रेंड्स आपको पता है जैसे एंड्रॉयड फ़ोन्स हो गए, कोई सी भी iOS फ़ोन हो फ्रेंड्स, कोई सी भी हम फ़ोन यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि बहुत से आजकल फ़ोन लॉन्च हो चुके हैं इंडिया में, आउट ऑफ कंट्री। तो फ्रेंड्स हम जैसे बजट के अंदर फ़ोन लेते हैं फ्रेंड्स, उसमें हमें बहुत से उस फ़ोन में हमें जो बजट के अंदर फ़ोन लेते हैं फ्रेंड्स उसमें हमें रैम कम मिलती है, स्टोरेज कम मिलती है फ्रेंड्स। तो मैं उन्हीं फ़ोन के बारे में फ्रेंड्स एक चीज़ बताऊंगा, जैसे कि आपका फ़ोन स्लो हो जाता है और डेड हो जाती है बैटरी, कैसे आप इन सबको रिकवर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि आप जब स्टार्टिंग में जैसे 5-6 हज़ार का कोई भी फ़ोन यू लेते हैं, खरीदते हैं फ्रेंड्स, तो आप जैसे उसे बूट करते हैं उस फ़ोन को, जैसे बूट मतलब स्टार्ट करते हैं फ़ोन को पहली बार फ्रेंड्स, उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, फालतू की एप्लीकेशन होती हैं फ्रेंड्स। तो आप फ्रेंड्स आप उन्हें रिमूव कर दीजिए फ्रेंड्स। फर्स्ट टिप ये है, आप उन्हें रिमूव करिए फ्रेंड्स, मतलब उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए फ्रेंड्स, पहला टिप ये है फ्रेंड्स। दूसरा टिप ये है फ्रेंड्स, जैसे कि आप बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि आप ये लॉन्चर यूज़ कर लें तो आपका थीम अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, दूसरा लॉन्चर उसमें ऐप लॉग मिले फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों को मत यूज़ कीजिए फ्रेंड्स। जो लॉन्चर्स होते हैं फ्रेंड्स वो आपके फ़ोन को डैमेज करते हैं अंदर से, आपकी स्पीड स्लो कर देती है, आपकी रैम कंज्यूम करती है, आपकी स्टोरेज कंज्यूम करती है फ्रेंड्स। तो आप इन्हें यूज़ ना करें फ्रेंड्स, ये सेकेंड टिप थी फ्रेंड्स। थर्ड टिप फ्रेंड्स ये है कि जब आप फ़ोन को यूज़ करते हैं, फ़ोन को जैसे आप चार्जिंग पे लगाते हैं, कोई वीडियोस देखते हैं, नेट चलाते हैं, तो फ्रेंड्स फ़ोन हीट हो जाता है फ्रेंड्स। तो आपको ये करना है, जब आप चार्जिंग में फ़ोन लगाए फ्रेंड्स तो आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें या फ्लाइट मोड पे कर दें फ्रेंड्स, जिससे आपका फ़ोन हीट होना कम कर देगा फ्रेंड्स, उससे हीट नहीं होगा। और या स्विच ऑफ करते फ़ोन को फ्रेंड्स, ये हो गया हमारी तीसरी टिप फ्रेंड्स। चौथी टिप ये है फ्रेंड्स, हम जैसे कि कोई फ़ोन चार्ज पे लगा के फ़ोन हम फ़ोन पे बात करते हैं फ्रेंड्स, हमें वो नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, उससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड, उससे हमें रेडिएशन भी फैलती है, उससे हमें कैंसर डिजीज भी हो सकते हैं फ्रेंड। तो आप उस चीज़ को मत कीजिए फ्रेंड्स। और फ़ोन जब हीट होता है फ्रेंड्स बात करने वक्त, जब चार्जिंग भी लगा रहता है फ्रेंड्स, तो फ़ोन फटने का भी चांसेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये चीज़ मत लीजिए फ्रेंड्स। मेरी 5 भी टिप्स हैं फ्रेंड्स कि जब आप जैसे रेगुलर फ़ोन यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपने एक हफ़्ता यूज़ किया, 2 हफ्ते यूज़ किया फ्रेंड्स, हर 1 वीक के बाद फ्रेंड्स आप अपने फ़ोन को 5 मिनट के लिए स्विच ऑफ करिए फ्रेंड्स। अगर आपका फ़ोन का पीछा कवर खुलता है तो फ्रेंड्स आप बैटरी निकाल दें 5 मिनट के लिए, या नहीं खुलता तो फ्रेंड्स स्विच ऑफ कर दें फ्रेंड्स फ़ोन को, और सिम और मेमोरी कार्ड थोड़ी देर के लिए निकाल दें फ्रेंड। इससे ये होगा कि फ्रेंड्स आपकी फ़ोन की कैपेसिटी अंदर की सही रहेगी, थोड़ा अच्छा रहेगा उसका, थोड़ा सिस्टम रिकवर होगा अंदर से, और आपकी जो सिम में प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, सिम निकाल के रखेंगे फिर लगाएंगे 5 मिनट, सिम प्रॉब्लम भी उससे सही होती है फ्रेंड्स, और बहुत कुछ उनसे सही हो जाती है फ्रेंड्स, आपके फ़ोन पे अच्छा वर्क करने लगता है फ्रेंड्स। और 6 टिप ये है कि आप जैसे बहुत से बूस्टर यूज़ करते हैं स्कैन करने के लिए फ़ोन, तो फ्रेंड्स आप ऐसे बूस्टर ना यूज़ करें फ्रेंड्स, आप प्ले स्टोर पर यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स प्ले स्टोर पर जाइए, जिसकी अच्छी रेटिंग हो, जिसके अच्छे कमेंट्स हो, रिप्लाई हो, तो फ्रेंड्स उन्हीं के आप स्कैनर यूज़ करें। जैसे हाई सिक्योरिटी है फ्रेंड्स, हाई सिक्योरिटी का क्या है फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे जल्दी डिटेक्ट करता है वायरस को और सब कुछ रिकवर करता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आशा है मुझे आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और लाइक कीजिएगा मेरे